नमस्कार जज साहब। जज साहब, मेरी एक 4 साल की बेटी है, उसने मुझे अभी कुछ दिन पहले सवाल पूछा कि पापा, क्या राक्षस असली में होते हैं? मैं उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मुझे उस लड़की का चेहरा याद आया जिसके दोस्त ने उसका बलात्कार किया था, और दूसरे ही दिन उस लड़की ने आत्महत्या कर दी थी। मुझे उस लड़की का चेहरा याद आया जिसके खुद के चाचा ने सालों तक उसका शोषण किया। आज भी वो लड़की उस सदमे से उभर नहीं पा रही है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, राक्षस असली में होते हैं, इनके सर पे सिंह नहीं होते, ये आम आदमी की जिंदगी जीते हैं, समाज में इज्जत की जिंदगी जीते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा तब सामने आता है जब नैना अग्रवाल जैसी मासूम सी लड़की इनके जाल में फंसकर इनके हवस का शिकार बन जाती है। प्रोसिक्यूशन गवाह हो और सबूतों के बिना पे साबित कर देते हैं कि आदिराज प्रधान ने नैना अग्रवाल को अपने जाल में फंसाया और फिर उसकी इज्जत फूट ली। लेकिन ऐसे लोग औरतों को अपनी जागीर समझते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कानून उनसे भी ऊपर है। और यही कानून से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाए, इनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच।